हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। चलिए आज हम बनाते हैं झटपट वेजिटेबल पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस है। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इसके लिए चाहिए हमको थोड़ा शिमला मिर्च कटा हुआ, और ये हरी मिर्च कटी हुई, और ये हैं बीन्स कटे हुए, गोभी कटा हुआ, गाजर, टमाटर एक कटा हुआ, और पनीर थोड़ा कट, और एक है ये प्याज कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है हमारे चावल सोक किए हुए दो कटोरी, और ये हैं पाउडर्ड मसाले जिसमें हैं आधा चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके लिए है बड़ी छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और तेल। चलिए शुरू करते हैं। ये पहले एक कुकर में दो चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और उसमें डालेंगे ये इलायची और लौंग। तो इलायची को ऐसे तोड़ लिया है बीच से, और ऐसे ही मत डाल दीजिएगा नहीं तो वो पॉप करेगी। ये देखिए ऐसे तोड़ लिया इसको, और इसको अब हम डाल देते हैं। और मैंने तीन लौंगे डाल दी, तो इलायची लौंग डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये तीन पत्ते, ये डाल दीजिए, थोड़ी देर इनको थोड़ा चला लीजिए। और इसके बाद इसमें डाल दीजिए प्याज, प्याज को तल जान देंगे, चलाते रहिए और तल लीजिए, थोड़ी गुलाबी हो जाएगी जब ये, तब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हो गई, देखिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसको भूनेंगे थोड़ी देर। एक दो मिनट इसको भून लीजिए अच्छी तरह से, थोड़ा ये पक जाए, तब हम इसमें डालेंगे अपने पाउडर मसाले। ये सारे मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। धीमी आंच पे इसको 5 मिनट तक इस मसाले को भूनते रहेंगे चला चला के। इस मसाले को हम जब तक भूनेंगे जब तक अच्छी से खुशबू नहीं आने लगे। इस बीच अगर आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच करीब, और ये अच्छी तरह से इसको मसालों को हम भून लेंगे इसके साथ। ये अब हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। इसमें सब्जियां डाल दीजिए, और इसको सब्जियों को तब तक पकाएंगे जब तक ये अधगली ना हो जाए इस मसाले में, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला भी अब्सॉर्ब कर लें और थोड़ी गल जाए। पाँच मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको धीमी आंच पे करके थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी हमारी अधगली हो जाएं, और आंच धीमी कर दीजिए ताकि पानी ना जले और उसी पानी में ये सब्जियां गल जाएं। प्रेशर नहीं लगाना है अभी हमको, बस ऐसे ही थोड़ा सा ढक के इसको सब्जियों को हल्का गलाना है। 5 मिनट हो गए, हमारी सब्जियाँ थोड़ी अधगली हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये राइस सोख के हुए रखे थे, जो राइस डालेंगे जो सोख करके रखे थे मैंने आधा घंटा पहले, धो के और सोख करके उसका पानी निकाल लिया। अब इनको डालेंगे और इसके साथ भी इसको तलेंगे, थोड़ा राइस को भूनेंगे इसके साथ साथ। अच्छी तरह सारा निकाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, ये पनीर डाल देंगे। पनीर को इसलिए पहले नहीं डाला था कि पनीर टूट जाता सब्जियों के साथ, इसलिए हमने पनीर को बाद में डाला है। अब इसको करीब 2 मिनट तक ऐसे ही चला चला के चावलों को भी इसके सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, तो उससे ये होगा इसका मसाला भी अब्सॉर्ब हो जाएगा और चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चावल यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, आपके पास अगर कोशिश करिएगा बड़े ग्रेन वाला चावल हो वही लीजिएगा, नहीं तो जो भी आप खाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब ये 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी देखिए इस कटोरी के बराबर मैंने दो कटोरी चावल लिए थे, तो इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी, 1, 2 और 3। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्रेशर लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसमें
हम एक प्रेशर पूरा आने देंगे, एक सीटी पूरी आ जाने देंगे, उसके बाद दूसरी जैसे ही आने वाली होगी उसमें रोक देंगे और उसकी गैस नहीं निकाले देंगे, कुकर को अपने आप से ठंडा होने देंगे। तो इसमें आपका परफेक्ट पुलाव बनेगा। अब हम इसको थोड़े से तले हुए प्याज के साथ गार्निश कर देते हैं। तले हुए प्याज पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डाल देंगे थोड़े से फ्राइड काजू। बस ये आपका पुलाव रेडी है। इसको सर्व करिए रायते के साथ। तो ये थी हमारी बहुत ही आसान रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। घर में ये सारी वेजिटेबल्स होती हैं और राइस लवर्स जो हैं, जो चावल खाने के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव होता है। तो आप इसको बनाएं ज़रूर और मुझे बताएं आपको कैसी लगी रेसिपी और आप इसको किसके साथ खाना पसंद कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए समद्स किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।